हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तपस्वी आईएएस फ्रेंड्स जियो में अब तक हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा इन थ्योरीज में हमने जाना किस तरह से अर्थ अर्थकष्ट फॉर्म हुई है ठीक है इसके साथ ही ओशन कस्ट किस तरह से फॉर्म हुई है ये भी हमने जाना ओशन कस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल कस्ट ओके तो ये सारी जो कंसेप्ट है अर्थकष्ट से रिलेटेड ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ टाइप्स ऑफ रॉक्स जिसमें हम इग्नियस रॉकसमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे इसके बाद मेजर लैंड फॉर्म्स राइट फिर अर्थक्विक एंड वर्कनिज्म अर्थ और टाइप्स ऑफ द रॉक्स इस टॉपिक को हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ठीक है तो इन टॉपिक्स में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको एक ओवरव्यू दूंगा जिससे आपको याद आ जाए कि हम क्या पढ़ा हुआ है राइट सो स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स ये आप फर्स्ट वीडियो को रेफर कर लीजिएगा जियोमोर्फोलॉजी मैंने पहला वीडियो जो बनाया था राइट सो so, उसमें आपको इसकी डिटेल आपको पता चल जाएगा देन मेजर लैंड फॉर्म्स मेजर लैंड फॉर्म्स में माउंटेन प्लेटू और प्लेन राइट तो so, इनके बारे में डिस्कस करेंगे फिर अर्थक्विक एंड वर्लिज्म स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से फ्रेंड्स जब हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था नेबुला में उन्होंने क्या बताया था कि अर्थ के कोर में पार्टिकल्स हैं ठीक है ठीक है सो so, अर्थ के रोटेशन की वजह से जितने भी हैवियर पार्टिकल्स थे वो सारे कोर में आ गए और लाइटर पार्टिकल क्रस्ट में चले गए यानी कि क्रस्ट वाला पार्ट क्या है लाइटर है और मेंटल उससे एंड सबसे ज्यादा ठीक है थीके? इनका कंपोजिशन भी क्या है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद अर्थ के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए जो जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस थे थे कि वेव 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 से मिले ठीक है में पी एस एस एल और आर इनके बारे में हमने जाना था सो पी वेव एस वेव इनके जो बिहेवियर है इनके बिहेवियर के बेसिस पर जो अर्थ का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया था उससे पता चला था कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये देखिए ग्रीन कलर का और ब्लू कलर की औसनिक क्रस्ट है इसके बाद मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है जो सॉलिड है ठीक है ये सब मिला करके इसको लिथोस्फियर बोला जाता है राइट इसके बाद आता है एस्थोनोस्फियर जो कि सेमी मोल्टेन स्टेट में है और सेमी मोल्टेन स्टेट में इसमें पी वेव की स्पीड कम हो जाती है और एस वेव की स्पीड भी कम हो जाती है ठीक है फिर आउटर मेंटल है आउटर मेंटल में Wave और एस वेव दोनों की स्पीड बढ़ जाती है इससे ही पता चलता है कि ये सॉलिड है फिर inner mental, inner mental में भी P wave और स्पीड कम हो जाती है जबकि एस वेव पास नहीं हो पाती है ठीक है और एस वेव की कंडीशन हमने मैंने आपको बताया था कि एस वेव सिर्फ सॉलिड से पास हो पाती है ठीक है लिक्विड से पास नहीं हो पाती इससे ये कंफर्म होता है कि p waves uh sorry outer core outer core is liquid and inner core inner core mein p wave ki speed bahut zyada badh jaati hai theek hai p wave kafi speed se propagate hota hai aur isliye inner core is highest theek hai so is analysis par uh, basically seismic waves की study के basis पर ye पता चला कि asthenosphere semi molten है ठीक है and beyond asthenosphere molten rocks hain ठीक है जो कि डेंस है राइट आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड सो अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह का है यह आपको क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ओके सो एस्थेनेस्फियर सेमी मोल्टन है ध्यान रखिए लिक्विड नहीं है ये सेमी मोल्टन है क्योंकि एस वेव्स इससे प्रोपोगेट हो रही है राइट एस वेव्स का प्रोपोगेशन हो रहा है लेकिन एस वेव्स की स्पीड कम हो रही है साथ में पी वेव की स्पीड भी कम हो रही है यानी कि ये सेमी मॉल्टेन यानी लिक्विड और सॉलिड के बीच का कोई पार्ट है ठीक है सो पी वेव और एस वेव की स्पीड के बेसिस पर अर्थ का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया गया था इसके बाद रॉक टाइप्स रॉक टाइप्स में तीन तरह के रॉक्स होती हैं इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक एंड देन सेडिमेंटरी रॉक ठीक है सो so, एक किस तरह से आ, बेसिकली ये रॉक्स बनती है इनमें जो बेसिक रॉक है इग्नियस रॉक है लेकिन इनिशियली बाद में क्या हुआ का और का सो अगर हम अभी की बात करें तो अभी किसी भी रॉक को बेसिक रॉक्स नहीं बोला जा सकता है क्योंकि सारी रॉक्स एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती है कन्वर्ट होती रहती है अब कैसे इनका कन्वर्सन होता है देखते हैं ये देखिए रॉक साइकिल हम जानते हैं अर्थ के अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है ठीक है मैग्मा जब इस ऊपर की तरफ आता है तो इसकी कूलिंग होती है और कूलिंग होने के बाद ये क्रिस्टलाइज हो जाता है यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड हो जाता है और जब ये सॉलिड बन जाता है तो ये इग्नियस रॉक्स इसको बोलते हैं ठीक है थीके? इसमें क्या लेयर्स नहीं है देखिए क्रिस्टल के फॉर्म में है ये राइट और ये हो गया इग्नियस रॉक्स इग्नियस रॉक का बाद में ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन इसका अपलिफ्टमेंट होता है और अपलिफ्टमेंट होने के बाद ये एटमोस्फियर को सामने आ जाती है ठीक है और जब इसकी वेदरिंग होती रहती है तो इसके सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स आ, कलेक्ट होकर के ठीक है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग ये कलेक्ट होकर के सेडिमेंट्स के फॉर्म में लेयर बनाते हैं ठीक है ठीके? और ये लेयर यानी इसको इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोला जाता है

इग्नियस रॉक्स का इग्नियस रॉक्स बिकॉज़ ऑफ हीट एंड प्रेशर ये कन्वर्ट होके वापस में मैग्मा में भी कन्वर्ट हो सकती है ठीक है एंड हीट एंड प्रेशर ये मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो जाती है ठीक है इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फिक metam में भी कन्वर्जन होता है और सेडिमेंटरी रॉक ये भी ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर लॉन्ग टर्म तक जब इसमें प्रेशर पड़ता रहता है अपर लेयर्स का और साथ में टेंपरेचर भी ज्यादा होता है तो ट्री का भी मेटामोर्फिक रॉक्स में कन्वर्जन हो जाता है ठीक है और मेटामोर्फिक रॉक मेल्ट होकर के ये मैग्मा में कन्वर्ट होती है ठीक है और इसका वापस आफ्टर कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन होता है और ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है ओके तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह सारी रॉक्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी देखिए इसका भी अगर अपलिफ्टमेंट होगा अपलिफ्टमेंट होगा फिर वेदरिंग होगी ओके वेदरिंग एंड इजन इसके बाद ये डिकम्पोज होंगे और इसके जो स्मॉल इस पार्टिकल्स होंगे जिसको सेडिमेंट्स बोला जाता है ये सेडिमेंट्स फिर से कलेक्ट होंगे और ये वापस से सेडिमेंटरी रॉक्स बना सकते हैं ओके okay? सो so ये सारी रॉक्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती मैग्मा और लावा दे डोंट स्ट्रेटा और लेयर्स ठीक है so, इसमें क्या मैग्मा का क्या कूलिंग हुई है और जब मैग्मा की कूलिंग होगी तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना कि लेयर्स के फॉर्म में, बिकॉज एंटायर लावा इज क्रिस्टलाइन एंड दे डोंट हैव फॉजिल्स देखिए मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इतने हाई टेम्परेचर में फॉजिल का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है इसलिए इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं मिलते हैं ठीक है देन मेटामॉर्फिक रॉक बोथ

देन डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रेन्युअल्स इसके बाद कॉम्पैक्शन होता है इस पूरे प्रोसेस को लिटिफिकेशन बोलते हैं यानी कि क्या हुआ रॉक्स का इरोजन हुआ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए ठीक है स्मॉल ग्रेन्यूअल्स में और वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग वो क्या कलेक्ट होते रहते हैं किसी एक स्पेस एक प्लेस पर और वो कलेक्ट जब काफी लॉन्ग टर्म तक मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो कलेक्ट होते रहते हैं उसके बाद वो लेयर के फॉर्म में एक एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर हो जाती है और इस तरह से जब लेयर बनती चली जाएंगी तो जो नीचे वाली लेयर है उसमें अपर लेयर का काफी प्रेशर पड़ेगा ठीक है और वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सो दिस दिस प्रोसेस इज नोन एज एंड सेडिमेंटरी रॉक्स आर ऑलवेज इन कंडीशन ठीक है यानी कि लेयर के फॉर्म में होती है और जब लेयर के फॉर्म में होंगी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनेगी यानी कि पहली लेयर बन गई फिर सेकेंड लेयर बनी तो इनके बीच में फॉसिल्स का पाना इट्स वेरी कॉमन दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स है अब बात करते हैं लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ सो अर्थ में तीन तरह के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं माउंटेन प्लेट्यू और प्लेन सो माउंटेन प्लेट्यू और प्लेन इन तीनों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउंटेन माउंटेन में देखिए दो तरह के माउंटेन होते हैं पहला फोल्ड माउंटेन एंड सेकेंड इज ब्लॉक माउंटेन फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में जो जिसको प्रॉपर माउंटेन बोला जाता है वो फोल्ड माउंटेन होता है ठीक है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन को डिफ्रेंशियट किया जाता है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस बाई विच दे फॉर्म जिस प्रोसेस से ये बनते हैं ठीक है फोल्ड माउंटेन का बनने का प्रोसेस अलग है और ब्लॉक माउंटेन का बनने का प्रोसेस अलग है ठीक है सो so, अलग अलग प्रोसेस से ये बनते हैं जिस प्रोसेस से फोल्ड माउंटेन बनता है उस प्रोसेस से ब्लॉक माउंटेन नहीं बनता है ठीक है और इनमें जो प्रॉपर माउंटेन जिसको बोला जाता है ठीक है वो फोल्ड माउंटेन होता है ब्लॉक माउंटेन अलग प्रोसेस से बनता है उसको माउंटेन बोला जाता है बट इट्स नॉट अ तो प्रॉपर माउंटेन देखते हैं ऐसा क्यों है सबसे पहले देख रहे हैं फोल्ड फोल्ड माउंटेन फोल्ड माउंटेन किस तरह से बनता है जब भी किसी रॉक में आपस में कंप्रेशन होगा ठीक है कंप्रेशन जब भी होगा तो उनके बीच के जो रॉक पार्टिकल्स होंगे उनका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसमें ये कंप्रेशन हो रहा है और कंप्रेस होने की वजह से यहां पर अपलिफ्टमेंट हो गया रॉक का ठीक है और ये अपलिफ्टमेंट जब होगा ये माउंटेन बना देगा ओके सो बिकॉज ऑफ कंप्रेशन फोल्ड माउंटेन बनते हैं माउंटेन क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ऑफ बोथ ओशन कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्रस्ट सो जो कन्वर्जेंस फोर्स होगा वो दो प्लेट के बीच में होगा ठीक है ये फोर्स कहां से आएगा यह हमको पता है कि हमने अभी जब, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थोड़ी पढ़ा था तब जाना था कि कन्वेक्शन सेल के बारे में जाना ठीक है सो कन्वेक्शन सेल की जो राइजिंग लिम्ब होती है राइजिंग लिंब इसके बाद डिसेंडिंग लिंब तो डिसेंडिंग लिंब जहां पर होगी वहां पर दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आती है ठीक है और उन प्लेट के वो दो डिफरेंट टाइप की प्लेट्स हो सकती है यानी कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकती है और ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट भी हो सकती है ठीक है है सो ये जो कंप्रेशन वाला फोर्स वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आया है कन्वेक्शन सेल से बेसिकली हम बोलेंगे कन्वेक्शन सेल से ये फोर्स आ रहा है दो कन्वेक्शन सेल आपस में जब मिल रही है तो जहां पर उनकी डिसेंडिंग लिंब है वहां पर दो प्लेट आपस में क्लोजर आएंगी

ये प्रोसेस हम देखेंगे जब इंडियन जीफी पढ़ेंगे तो बेसिकली हुआ क्या था इंडियन प्लेट और लॉरेशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट इनका आपस में कोलिजन हुआ था तो दो प्लेट का हिमालय बना ठीक है एग्जाम्पल है ओके? So, plates, ये क्या क्रिएट करते हैं यंगेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ और इसलिए इनको ट्रू माउंटेन भी बोला जाता है ओके okay? मैंने आपको बताया फोल्ड माउंटेन ट्रू माउंटेन होते हैं लेकिन ब्लॉक uh, माउंटेन वो ट्रू माउंटेन नहीं होते हैं राइट right? सो so, ये हमने समझ लिया कन, दो प्लेट uh, का कन्वर्जेंस हो रहा है इनसे जो भी माउंटेन बनते हैं उनको यंग माउंटेन बोला जाता है क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ठीक है इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ये जनरली दो प्लेट के जो बाउंड्री होती है उन बाउंड्री में ये बनते हैं ठीक है दो प्लेट जैसे कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट भी हो सकती है ओस्टेन कॉन्टिनेंट प्लेट भी हो सकती है ओसन ओसन प्लेट की अगर हम बात करें तो वहां पर आ, वहां पर माउंटेन को नहीं वो बेसिकली वहां पर बनते हैं वर्कनिक आर्क वहां पर वोल्केनिक आर्क बनती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है सो दीज आर यंगेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोल्ड माउंटेन एक्सटेंसिव माउंटेन चेन इन माउंटेन्स की जो ये चेन के फॉर्म में होते हैं काफी आ, मतलब बड़े होते हैं ठीक है जैसे कि अगर आप बात करें रॉकीज की बात करें या एंडीज की बात करें लाइक हिमालय इनमें क्या बहुत लंबी चेन होती है एक ही प्लेस पर एक माउंटेन ना होकर के अलग अलग चेन होती है ठीक है इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ओके okay? एक्सटेंसिव होते हैं ये फॉर्म अलोंग अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ इसके साथ ही जो अर्थ का अनस्टेबल पार्ट है

इसमें माउंटेन्स में मैरीन ओरिजिन के सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं अच्छा देखिए इसमें क्या रीजन है इंपॉर्टेंट okay? so, पॉइंट है जो कि आपके पिलम्स में भी पूछा जा सकता है और मेन्स में भी इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जा सकता है तो देखिए ऐसा क्यों होता है तो so, इससे पहले जानते हैं फेसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग देखिए इसमें साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में दो प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है एक तो नास्का प्लेट और दूसरी साउथ अमेरिकन प्लेट ठीक है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओस्निक प्लेट इनका जब आपस में कन्वर्जेंस होगा और कन्वर्जेंस क्यों होगा बिकॉज ऑफ डिसेंडिंग लिंब ऑफ कन्वेक्शन करेंट ठीक है यहां पर देखिए डिसेंडिंग लिंब होगी और यहां कहीं पर असेंडिंग लिंब होगी ठीक है मिड रिज बनती है और यहां पर कंज्यूम होती जाएगी ओस्निक प्लेट ओस्निक so, प्लेट जब आपस में इनका कंप्रेसिव फोर्स हो रहा है तो एक टाइम आएगा जब ओस्निक प्लेट पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगी ठीक है इसके बाद क्या होगा यहां पर देखिए ट्रेंच है ठीक है ट्रेंचेस हम जान चुके हैं पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रेंच क्या होता है ठीक है सो ट्रेंचेस होगी और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसके बीच में कॉन्टिनेंटल और ओस्निक प्लेट के बीच में यहां पर कहीं यहां पर जियो फॉर्म होती है ठीक है क्लाइन देखिए ट्रेंच में नहीं होगा ये ये कॉन्टिनेंट की साइड में नहीं मतलब ट्रेंच से के बाद कॉन्टिनेंट की तरफ यहां कहीं इस जगह जियो फॉर्म होती है और जियो फॉर्म यहां पर होंगी तो यहां पर क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ ओस्न ओसन की जो वेव्स आती हैं इसकी वजह से यहां पर ओस्निक डिपॉजिट कलेक्ट होते रहते हैं साथ में कॉन्टिनेंट के डिपॉजिट्स भी सेडिमेंट्स भी यहां कलेक्ट होते रहते हैं ठीक है तो जियो सिंक्लाइन यहां पर ओस्निक डिपॉजिट्स और कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट्स दोनों यहां पर मिलते हैं ठीक है इसके बाद जब आपस में यह और क्लोजर आती जाएंगी तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओस्निक क्रस्ट सॉरी एक टाइम आएगा ये पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगी ठीक है डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसके पूरी तरह कंज्यूम होने के बाद फिर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट का आपस में कोलिजन होगा ठीक है और उससे पहले यहां पर जो ज्यू सिंक्लाइन फॉर्म हुई है जहां पर सी ओसिन के ओरिजिन ठीक है मैरीन ओरिजिन मैरीन मेरीमेंट भी इसमें मिल ठीक है ठीक है इसका भी अपलिफ्टमेंट हो, हो जाएगा और फिर बाद में माउंटेन बनेंगे सो इलांगेटेड कॉन्टिनेंटल मार्जिन मार्जिन ये क्या कहलाता है जियो सिंक्लाइन कहलाता है फ्रॉम बोथ लैंड एंड ओशन एक्यूमुलेट अब क्यों दोनों के इस सेटिमेंट्स मिल रहा है ये हमने देख लिया देखिए ट्रेंच की बात नहीं कर रहा हूं ट्रेंच में आप कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर जो ट्रेंच बन रही है ट्रेंच के बाद वाला पार्ट है ये ठीक है ट्रेंच के बाद वाला पार्ट है तो यहां पर दोनों क्योंकि ओस्निक वेव की वजह से यहां पर ओसनिक के डिपॉजिट्स आ रहे हैं ठीक है और कॉन्टिनेंट के तो डिपॉजिट्स आएंगे यहां पर कलेक्ट होते जाएंगे ओके सो दोनों ही इसमें

अब देखिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन हुआ सो सेडिमेंट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ बोथ प्लेट प्लस जियो सिंक्लाइन फोल्डेड ठीक है बिकॉज ऑफ सेटिमेंट ऑफ जियोक्लाइन मेरीन ओरिजन राइट अब देखिए वर्ल्ड के जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो यहां पर है ये आपका रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में एंडीज हैं ठीक है एक्सटेंसिव चेन होती है ये फिर नॉर्थ अमेरिका में एपलांशियन माउंटेन भी है ठीक है एटलस माउंटेन हिमालया यूरल माउंटेन जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है सो so ये इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स है ये आप एटलस में इनको लोकेट करिएगा कि एटलस में कहां पर है इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी है अच्छा एक बात मैं यहां और बताना चाहूंगा कि फोल्ड माउंटेन यंगेस्ट माउंटेन होते हैं ये हमने देखा इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ये भी देखा लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे माउंटेन भी हैं जो कि फोल्ड इसी प्रोसेस से बने यानी कि फोल्ड माउंटेन थे वो है फोल्ड माउंटेन लेकिन बिकॉज ऑफ इरोज़न उनकी हाइट कम हो गई है ठीक है और वो यंग माउंटेन अब नहीं है इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आप अपने इंडिया की अगर बात करें तो अरावली की बात करें तो अरावली क्या एक लॉन्गेस्ट चेन है ये वंस अपॉन अ टाइम इट लॉन्गेस्ट माउंटेन हाइएस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ ठीक है आज भी वो इतनी इतनी ऊंचाई तक है वो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पहले उसकी हाइट कितनी ज्यादा रही होगी सो वो भी फोल्ड माउंटेन है लेकिन अब वो क्या यंगेस्ट स्टेज में नहीं है मैच्योर स्टेज में है और उसका आ, काफी ज्यादा इरोजन हो चुका है ठीक है इसलिए उसकी अब हाइट ज्यादा नहीं बची है ओके इसके बाद कुश कीर्थार और सुलेमान रेंजेस जो कि कुश अफगानिस्तान में किरथार और सुलेमान रेंज पाकिस्तान में है ठीक है इनको भी आप एटलस में लोकेट करिएगा राइट सो so, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं आपको एटलस में लोकेट करना है उसमें से अलास्का रेंज सदर्न एल्ब डिनाइरिक एल्प ठीक है एटलस माउंटेन ये सारे ही जो लिस्ट है ठीक है ये आप एटलस में इनको लोकेट करिए एटलस में कहां पर हैं ठीक है थीके? ये सारी फोल्ड माउंटेन्स हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट सो एटल्स में सारी एक्सरसाइज आपको करनी है अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ठीक है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड दी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ दी क्रस्ट अर्थ क्रस्ट का ओरिजिन और इवोल्यूशन का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को समझना जानना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ठीक है अच्छा ऐसा क्यों इनिशियली जब अर्थ फॉर्म हुई उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं थी उसमें सिर्फ ओस्निक क्रस्ट थी ठीक है और उस ओस्निक क्रस्ट का जब वो ब्रेक हो गई क्रस्ट ब्रेक होकर कई पार्ट्स में जब बन गई ठीक है यानी कि ओसन की क्रस्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स बनी इनका आपस में क्या हुआ कंप्रेशन हुआ जब कंप्रेशन होगा तो वर्कनिक आर्क बनेगी ठीक है वोल्केनिक आर्क बनी यानी एक वर्कनिक प्रोसेस स्टार्ट हो गई ओके okay. इन वॉल्केनिक आर्क का जब आपस में इनका भी आपस में कोलिजन हुआ यानी कि कौल, इनका कोलिजन होने के बाद फिर क्या बना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनने लगी ठीक है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक बार बन जाती है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है लेकिन ओस्निक क्रस्ट बनने के बाद वो डिस्ट्रॉय होती रहती है क्योंकि वो क्या है हैवियर है कंपेरटिव टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जब भी क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का आपस में कोलिजन होता है तो औसनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है ठीक है तो इस प्रोसेस से बाद में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनने लगी आपस में कोलिजन हुआ क्रस्ट बनने ठीक है? अच्छा एक बात और इसके साथ ही एक म, आप यहां मैं बताना चाहूंगा जब भी जहां पर भी फोल्ड माउंटेन मिलता है इससे यह पता लगता है कि इन दोनों प्लेट के बीच में मतलब जहां माउंटेन बना है वहां पर कभी ना कभी दो सेपरेट प्लेट रही होंगी जिनका आपस में कोलिजन हुआ और बाद में फोल्ड माउंटेन बने ठीक है सो एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट फर्स्ट बेसाल्टिक बेसाल्टिक क्रस्ट क्रस्ट ऑफ ओशन ओशन ठीक है सबसे पहले crust, की थी जिसकी ब्रेकिंग हुई मेल्टिंग हुई ठीक है और बाद में लाइटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट यहां पर भी है आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली क्रस्ट कौन सी बनी थी सबसे पहली क्रस्ट बनी थी ओशनिक क्रस्ट ठीक है लेकिन अगर पूछा जाए व्हिच वन इज द यंगस्ट तो ओशनिक क्रस्ट ही यंगस्ट है क्यों ऐसा है क्योंकि ओशनिक क्रस्ट का बाद में डिस्ट्रॉय होती रहती है सो so, अभी जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी मैक्सिमम लाइफ 300 मिलियन इयर्स एगो की है ठीक है उसकी एज 300 मिलियन इयर्स तक की है बिकॉज़ ऑफ मिड ओस्निक रिज ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट सो टल क्लस्ट कोलाइड विध वन और इसके बाद क्या बना ए लार्ज लैंडमार्क बना ठीक है आपस में कोलाइड हुई बीच में उनके मार्जिन में क्या बना फोल्ड माउंटेन बना ठीक है तो फोल्ड माउंटेन ने एक तरह से उनका टाइप का, का काम किया जिनको आपस में जोड़ दिया दो कॉन्टिनेंट दो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल कस्ट को आपस में जोड़ दिया ठीक है टाइप कर दिया तो इस स्टडी के लिए फोल्ड माउंटेन की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जैसे ये यूरल माउंटेन है यूरल माउंटेन एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं ठीक है एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाला जो यूरल माउंटेन है है ये ये बताता कि कभी ना कभी ना एशिया और यूरोप दो सेपरेट प्लेट रही होंगी और ये सेपरेट प्लेट का आपस में जब कोलिजन हुआ और कोलिजन होने के बाद इनमें फोल्ड माउंटेन बना और दो प्लेट आपस में जुड़ गई ठीक है सो हमने फोल्ड माउंटेन पढ़ लिया अब देखते हैं ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है देखिए फोल्ड माउंटेन्स में हमने बताया दो प्लेट का आपस में जब कन्वर्जेंस होता है तब फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं लेकिन ब्लॉक माउंटेन्स इस प्रोसेस से नहीं बनते हैं जब दो प्लेट का जब जहां पर भी टेंसाइल फोर्स लगता है ठीक है वो टेंसाइल फोर्स की वजह से एक पार्ट यहां पर जहां पर भी फॉल्ट है वीक पार्ट है ठीक है उस फॉल्ट की वजह से फॉल्टिंग होती है और एक पार्ट नीचे आ जाएगा और दूसरा अपलिफ्ट हो जाएगा अपलिफ्ट बेसिकली नहीं होगा ये नीचे आएगा उसके नीचे आने से दूसरा वाला पार्ट अपलिफ्टेड दिखाई देगा कि वह ऊपर चला गया ठीक है थीके? लेकिन बट इन रियलिटी क्या होगा एक पार्ट नीचे आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक ऊपर लग रहा है और इसका जो फोर्सेस इसमें लगते हैं टेंसाइल फोर्स लगता है इसमें इसमें जो पार्ट नीचे की तरफ आ जाता है उसको ग्रेबन बोलते हैं ठीक है और जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसको होस्ट बोलते हैं ठीक है ठीके? ध्यान रखिए होस्ट अपलिफ्टेड होता है और ग्रैबेन जो जो नीचे की तरफ चला गया ठीक है ब्लॉक की वजह से होता है ड्यू टू फोर्सेस विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइट अब देखिए फोल्ट माउंटेन कहां पर था मार्जिन में था लेकिन ये क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ठीक है प्लेट के इंटीरियर में भी है अपलिफ्टेड पार्ट इसमें क्या हो रहा है इसको होस्ट बोलना है और डिपस्ट पार्ट को ग्रैबेन बोला जाता है ठीक है लेकिन जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो होस्ट को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं और ग्रैबेन इज अ रिफ्ट वैली सो होस्ट इज अ ब्लॉक माउंटेन ये ब्लॉक माउंटेन है और ये रिफ्ट वैली है ग्रैबन अब देखिए इसमें अगर हम देखें फेसेस ऑफ डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का इसमें क्या हुआ यहां पर एक क्रैक डेवलप हुआ ठीक है क्रैक डेवलप होने के बाद ये यह रिफ्ट वैली बेसिकली बन गई रिफ्ट वैली बनी इसके बाद दोनों प्लेट आपस में क्या हो रहा है टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो दूर जा रही है ठीक है सो इस रिफ्ट वैली का आपस में इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगे ठीक है और यहां पे एक नेसेंट सी बनता है ठीक है सेंट सी बना क्योंकि यहाँ पे वाटर इस एरिया में रिफ्ट वैली में आ गया और सी बन गया और इसके बाद फर्दर बाद में भी अगर इनका टेंसाइल फोर्स एक्टिव रहता है और प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं तो ये एक लार्ज सी में कन्वर्ट हो जाती हैं ठीक है और ये इसके बाद हमने कॉन्टिनेंटल सेल्फ राइस सी लेवल ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये क्या होता है ओके सो ये प्रोसेस है यहाँ पर देखिए क्या मिड ओस्निक रिज बन जाती है और मिड ओस्निक रिज बन जाएगी तो ये आपस में इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगा और मिड का रीजन क्या है यहां की अगर राइजिंग लिंब होगी यानी कन्वेक्शन सेल अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है और ये पूरा एक देखिए ये वाला पार्ट कन्वर्ट करता है इस तरह से ये डायरेक्शन है कन्वेक्शन सेल का

क्योंकि इसमें क्या यूनिफॉर्म डेंसिटी तो होगी नहीं होस्ट की और यूनिफॉर्म डेंसिटी ना होने की वजह से इसमें जो uh, होंगे है part, पार्टिकल होंगे वो उनका तो वेदरिंग नहीं होगी लेकिन जो लाइटर होंगे उनकी वेदरिंग हो जाएगी और इस वजह से ये एक वेवी नेचर बन रहा हो ये माउंटेन की तरह दिखने लगते हैं बट इन रियलिटी ये माउंटेन नहीं होते हैं सो दे आर नॉट ट्रू माउंटेन बट दे लुक्स लाइक माउंटेन ओके इसके बाद यूरोप में आप देखिए यूरोप में यहाँ पर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है ठीक है और यहाँ पर एक राइन ग्रैबन बनी हुई है जो यहाँ जर्मनी के राइन रिवर इससे फ्लो होती है जो जर्मनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ठीक है फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी विंध्या और सतपुरा विंध्या और सतपुरा ये ब्लॉक माउंटेन है और इनके बीच में नर्मदा रिवर इस वैली से जो वैली यहां पर बनी हुई है रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली से नर्मदा रिवर फ्लो करती है ओके okay? अच्छा विध्या और सतपुरा ये बेसिकली फोल्ड माउंटेन भी हैं और ब्लॉक माउंटेन भी हैं और साथ में स्कॉपेंट भी हैं। फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन दोनों इनका रीजन ये कि पहले ये इनका क्या हुआ इनकी फोल्डिंग हुई ठीक है देन इनकी फॉल्टिंग हुई और बाद में टाइम के साथ इनका इरोजन होता रहा और ये स्कारपेंट हो गए ठीक है सो so ये सारे ही प्रोसेस से पास हो चुके हैं बट ये है क्या ब्लॉक माउंटेन इनके बीच में क्योंकि रिफ्ट वैली जो पास हो रही है वो आज भी इनके बीच में रिफ्ट वैली है ठीक है यहां इनका इरोजन हो चुका है वेदरिंग हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद अभी भी रिफ्ट वैली मेंटेन है और नर्मदा रिवर इससे फ्लो करती है फोर्ट माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन्स का अगर हम कंपेयर करें तो फोर्ट आर ट्रू माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स आर नॉट ट्रू माउंटेन्स इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगता है

जो दो प्लेट में डिवाइड हो गया और इनकी ड्रिफ्ट अपार्ट होने लगे ठीक है बिकॉज ऑफ राइजिंग लिम ऑफ कन्वेक्शन सेल फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ठीक है सेडिमेंट्री रॉक्स फोल्डिंग होती है इसमें डिफरेंशियल इरोजन ऑफ होस्ट ऑफ फॉल्ट एंड लुक्स लाइक माउंटेन ठीक है ये मैंने आपको बताया होस्ट ऊपर गया लेकिन इसमें जो पार्टिकल है और लाइटेस्ट है तो लाइटर वाले के क्या हो गया इसका इरोजन हो जाता है यानी डिफरेंशियल इरोजन होता है और इस वजह से होस्ट इज लुक लाइक माउंटेन बट इन रियलिटी इट इज नॉट माउंटेन सो माउंटेन हमने कंप्लीट कर लिया ठीक है माउंटेन कंप्लीट हो गया अब स्टार्ट करते हैं प्लेट्यू प्लेट्यू का मतलब एक अपलैंड ठीक है फ्लाइट लैंड या अपलैंड इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है ठीक है एंड इट इज हायर देन सराउंडिंग एरियाज सराउंडिंग एरिया से इसकी हाइट ज्यादा होती है ठीक है ये भी माउंटेन की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है माउंटेन इज कोनिकल बट ये कोनिकल नहीं होता है इसका टॉप फ्लैट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूस अब देखिए प्लेट्यू किस किस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं ठीक है सो देर आर फोर डिफरेंट प्रोसेसिस जिससे प्लेट्यू फॉर्म हो सकता है फर्स्ट इज रेस्ड लैंड ड्यूरिंग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में जो हमने देखा फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं ठीक है सो so, uh, क्या हो रहा है अपलिफ्टमेंट हो रहा है लैंड का तो कोनिकल पीक बनती है तो कोनिकल पीक जहां बन रही वो तो माउंटेन हो गया लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पास का एरिया होता है लैंड उसका भी अपलिफ्टमेंट हो जाता है और उसके अपलिफ्टमेंट होने की वजह से उसको हम प्लेट्यू बोल देते हैं ठीक है देन डिपोजिशन फ्रॉम लावा अब जहां पर भी बेसाइटिक लावा का इरप्शन होता है ठीक है uh, किसी भी प्लेट के इंटीरियर में अगर राइजिंग लिंब आ रही है ठीक है तो वो क्या करेगी वहां पर एक आ, क्रेक डेवलप कर देगी और उस क्रेक से बैसा का इरप्शन होगा बेसाल्टिक लावा मोबाइल होता है और वो काफी अच्छे से तरह स्प्रेड हो जाता है चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है ठीक है सो तो वो अगर काफी लंबे टाइम तक अगर ये प्रोसेस चलती रहती है तो उस एरिया को क्या उसका अपलिफ्ट अपलिफ्टमेंट हो जाएगा यानी ऊपर ऊंचाई उसकी दिखा, दिखेगा कि काफी हाइट बढ़ गई है

वहां पर लावा का हुआ, ठीक है? और लावा देखिए जब कोई प्लेट मूव करती है तो मिलियंस ऑफ इयर्स उसको लगते हैं मूव करने के लिए तो एरप्शन होता रहा वहां पर डेक्कन प्लेट्यू बन गए ठीक है और डेक्कन प्लेट्यू इसकी जो आप अगर इंडियन जोग्राफी में हम पढ़ेंगे तो वहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है सॉइल जिसको बोलते हैं और ये कॉटन प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ये सारी इसकी डिटेल हम इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे सो डिपोजिशन फ्रॉम लावा थर्ड इज डिपोजिशन फ्रॉम विंड विंड सो के मूवमेंट की वजह से भी वहां अगर कभी भी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता रहता है एक ही प्लेस पर और काफी लॉन्ग लॉन्ग टाइम के प्रोसेस के बाद वहां उसकी हाइट बढ़ जाएगी ठीक है यानी डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर भी प्लेट्यू बन सकता है देन इरोडेड ड्यू टू ग्लेशियर्स ग्लेशियर का की वजह से जब इरोजन होता है ठीक है वो इरोजन होते होते अगर किसी माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर्स है तो वो क्या उसको इरोट करता रहेगा ठीक है और ग्लेशियर के इरोजन जब इरोट करता रहेगा और टॉप जो कोनिकल एरिया है उसको फ्लैट कर देगा ठीक है और इसकी वजह से भी यानी ग्लेशियर के इरोजन की वजह से भी प्लेट्यू फॉर्म हो सकते हैं टाइप ऑफ प्लेटियो सो इंटर माउंटेन प्लेटियो ठीक है कॉन्टिनेंटल प्लेटियो इंटर माउंटेन प्लेटियो यानी कि जो प्लेटियो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के टाइम पे फॉर्म हुए उसके साथ फॉर्म हुए जैसे कि बोलिवियन प्लेटियो तिब्बतन प्लेटियो कोलंबिया प्लेटियो कोलोराडो प्लेटियो ठीक है एनाटोलिया प्लेटियो क्योंकि टर्की में है इसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेटियो ठीक है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू को मैंने आपको एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू का बता दिया है ठीक है लावा के स्प्रेडिंग की वजह से जो बनता है इसी के साथ कटंगा प्लेट्यू ओजार्क प्लेट्यू यूएसए में है इथियोपियन हाईलैंड ठीक है सो ये सारे आपको लोकेट करना है एटलस में ध्यान रखिए लोकेट एटलस में आप लोकेट करेंगे और अगर कहीं पर आपको डाउट हो रहा है तो आप उसमें मुझे मैसेज करिएगा इसके बाद ग्लेशियल प्लेट्यू ठीक है ग्लेशियल प्लेट्यू में गढ़वाल प्लेट्यू इंडिया में है ठीक है फिर लॉरेशन प्लेटियो कनाडा में फिर लावा प्लेटियो आता है कोलंबिया स्नेक प्लेटियो दिस इज इन यूएसए फिर डेक्कन प्लेटियो एंड शांत प्लेटियो ठीक है तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटियो हमने देख लिया जो अलग अलग प्रोसेस से फॉर्म होते हैं और इनको एटलस में आप लोकेट करना तिब्बतन प्लेटियो का हम देखते हैं तिब्बतन प्लेटियो यहां पर इंडिया के ऊपर है ठीक है इट इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ दर्ल्ड हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू ठीक है इसके साथ ही डिफरेंट रिवर्स जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अदर कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है उन रिवर्स का भी सोर्स है सालवीन मेकोंग यांग हॉग है ठीक है इसके बाद हम अगर जब हम इंडियन जो, जोग्राफी पढ़ेंगे उसमें इंडियन मानसून के बारे में जब जानेंगे तब हम देखेंगे तिब्बतन प्लेट्यू का इंडियन मानसून में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तिब्बतन प्लेट्यू हाई अप्लाइंड है ठीक है इसकी वजह से क्या होगा इसकी ओवर हीटिंग होगी जब ओवर होगी, होगी तो वहां पर क्या बनेगा लो प्रेशर जोन बन जाता है ठीक है और ये लो प्रेशर प्रेशर जोन जोन जब मेडागास्कर के ऊपर हाई जोन बनता है है ठीक तो क्या साउथ वेस्ट मानसून इंडिया की तरफ आता है यानी कि जितना ज्यादा तिब्बतन प्लेट्यू की हीटिंग होगी उतना ही ज्यादा इंडियन मानसून स्ट्रांग होगा राइट, सो तिब्बतन प्लेटियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन मानसून में साथ में इंडस रिवर इंडस रिवर और सतलज रिवर ठीक है जो आ, इंडस की ट्रिब्यूटरी है इसका भी ओरिजिन यहां पर तिब्बतन प्लेटियो में माउंट कैलाश है मानसरोवर के पास यहां से इसका ओरिजिन होता है ठीक है इंडस रिवर और सतलज रिवर बाद में इंडिया से पास होते हुए पाकिस्तान में जाती है राइट एंड देन अरेबियन सी में ये वजह हो जाती है ओके okay? सो so, ये तिब्बतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद देखते हैं बैथोलित बैथोलित क्या है देखिए जब क्रस्ट का सबडक्शन होता है यहां पर क्या डिसेंडिंग लिंब है ठीक है इसका सब्डक्शन हो रहा है सब्डक्शन होने के बाद ये जो इसकी मेल्टिंग होगी मेल्टिंग होने के बाद ये इसकी जो रॉक्स हैं उसका उनका उसका कन्वर्जन हो जाएगा देखिए औसुनिक क्रस्ट की रॉक्स क्या होती है बेसाल्टिक रॉक्स होती है ठीक है और इसका जब कन्वर्जन ग्रेनाइटिक रॉक में होगा तो ये क्या लाइटर होती है ठीक है एंटीसाइट या ग्रेनाइटिक और ये जब ऊपर की तरफ आएगी और अगर ये पूरी तरह यहां तो वॉल्के आर्क बनती है जो हमने देखा था में ठीक है यहां वॉल्केनिक आर्क बन रही है लेकिन वॉल्केनिक आर्क के पहले अगर ये जब ऊपर की तरफ लाइटर जो इसके पार्टिकल्स हैं ऊपर की तरफ आ रहे हैं अगर यहां कहीं ट्रैप हो गए ठीक है यानी ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो ये जो बनाते हैं ये ठीक है इसको हम बैथोलित बोलते हैं राइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग है और यहां पे इसको ब्लॉक कर दिया ये ऊपर की तरफ नहीं मूव कर पा रहा है तो ये जो बन रहा है इसको बैथोलित बोला जाता है राइट right? इसका देखो हम जब वल्केजम पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे क्या है ये बैथोलित सो इट इज ग्रेनाइटिक लेस मोबाइल एंड कैनॉट मूव अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है ये ठीक है इट इज बैकबोन ऑफ फोल्ड माउंटेन अब देखिए हमने माउंटेन्स पढ़ लिए प्लेटियो पढ़ लिया अब स्टार्ट करते हैं प्लेन्स प्लेन्स यानी कि फ्लैट एरिया विथ लो हाइट ठीक है plains. Plains, height, इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है और ये पूरा फ्लैट एरिया होता है साथ में इट इज बेस्ट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ये इतना आ, सुटेबल क्यों होता है क्योंकि इसकी हाइट कम होती है और जनरली इसे रिवर पास होती है ठीक है और रिवर जब पास होगी तो वहां पे सेडिमेंट्स कलेक्ट होते जाएंगे ठीक है और सेडिमेंट्स कलेक्ट होने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए वो एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये रिवर क्या बनाती है डिपोजिशनल प्लेन बनाती है यहां पे ठीक है ये डिपोजिशनल प्लेन बहुत ही फर्टाइल होता है साथ में वाटर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है लैंड भी फर्टाइल है इसलिए ह्यूमन हैबिटेशन भी यहां ज्यादा होता है मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड एल्यूवियर प्लेन ऑफ द रिवर जैसे इंडिया का नॉर्थ इंडिया ये प्लेन है ठीक है साथ में डिपोजिशनल प्लेन रिवर्स भी इसमें बनाती हैं और सी के सी भी इसमें डिपोजिशनल प्लेन बना सकता है जो कि सब कोस्ट होते हैं जो कोस्ट का सबज हो जाता है ठीक है वो भी डिपोजिशनल प्लेन बना सकते हैं साथ में इरोजनल प्लेन इरो, अगर किसी प्लेट्यू का इरोजन हो गया है तो वो भी प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है ओके okay? सो so, ये प्लेन के बारे में हमने जान लिया अब प्लेन क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स बनाती हैं तो इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन भी हम देखें वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन कहाँ कहाँ है कौन कौन से हैं है so, इंडिया एशिया में इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र ठीक है यांगजे चाइना में है हॉगवे ये भी चाइना में है ओके okay? सो so, ये सारी रिवर्स आप एक बार इनको अलग अलग जो एशिया यूरोप अफ्रीका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है इनको लोकेट करिएगा यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट रिवर्स एग्जाम में पूछा जाता है ये ठीक so, है सो रिवर कहाँ पर लोकेटेड है कहाँ कहाँ से पास होती है ठीक है इंपॉर्टेंट कंट्रीज कहाँ से पास हो रही है वो ठीक है इंडिया के रिस्पेक्ट में किस किस इंपॉर्टेंट स्टेट से पास हो रही है यह भी आपको जानना जरूरी है तो किस तरह से आपको रिवर प्रिपेयर करना आप देखिए बाद में जब इंडियन जोग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन रिवर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे बट अभी यहां पर आपको वर्ल्ड रिवर्स को लोकेट करेंगे एटलस में सो so, फ्रेंड्स हमने मेजर लैंड फॉर्म्स देख लिए माउंटेन डिस्कस कर लिया प्लेट और प्लेन सो so, ये पार्ट हमारा मेजर लैंड फॉर्म्स वाला कवर अप हो गया है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम वल्केनिज्म और अर्थक्विक के बारे में जानेंगे सो फ्रेंड्स थैंक यू ऑल द बेस्ट